उससे क्या है थोड़ी सी अपने को मालूम चलती है, प्रैक्टिस होती है अपने की कैसे अपने को टाइम मैनेज करना है एग्जाम के अंदर। जो टाइम तो अलॉटेड है वो तो फिक्स है, उस फिक्स टाइम के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी फिक्स है। हमें अपने आप को किस तरह से उसके अकॉर्डिंग ढालना है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है बच्चे के हिसाब से। जो बच्चा उस टाइम को मैनेज कर लेता है तो वो नंबर ऑफ स्कोर्स कर पाता है, जो मैनेज नहीं कर पाता उसको थोड़ी दिक्कत आती है। तो अभी जैसे कि आप लोगों स्टार्टिंग फेज है तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब घर पे भी जब आप प्रैक्टिस करते हो, कोई डीपीपी सॉल्व कर रहे हो या सीपीपी सॉल्व कर रहे हो, तो इसे टाइम फ्रेम के अंदर सॉल्व किया करो, तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे किस तरह से मुझे टाइम को मैनेज करके चलना है। आधे घंटे में मुझे 10 क्वेश्चंस बनाने हैं तो इन आधे घंटे में 10 क्वेश्चन मैं कैसे अटेम्प्ट कर पाऊंगा वो आपको सीखना है। या आप एक घंटे का टाइम फ्रेम लेके चल रहे हो तो एक घंटे में मुझे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो ये 20 क्वेश्चन मैं एक घंटे में कैसे अटेम्प्ट कर पाऊंगा। इंपॉर्टेंट विद एक्यूरेसी विदाउट मेकिंग अ मिस्टेक।